लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस तक कवर कर लिया था। बाकी आज मैं तुम्हें स्टार्ट करवा रही हूँ थ्री फेज बैलेंस सर्किट, वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। पहले क्या होता था, कोविड से पहले ये एक अलग पूरा यूनिट होता था, बट अब इन्होंने इसी में ही मर्ज कर दिया। तो कहने को ये एक सिंगल टॉपिक है, बट थोड़ा सा ये वाला टॉपिक तुम्हारा लेंदी जाता है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास थ्री फेज की दो टाइप्स की सप्लाई होती है, पढ़ा था ना तुमने डीसी सर्किट में। जैसे मान लो तुम्हारे पास जो सप्लाई है वो दो कैटेगरी में डिवाइड करी हुई है, एक होता है हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई और एक होती है हमारे पास थ्री फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई में हमारे पास सिंगल वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। थ्री फेज सप्लाई में हमारे पास तीन वायर्स हैं और तीनों वायर्स में करंट फ्लो होता है। तो एक कौन सी होती है, आर आर फोर रेड, वाई वाई फोर येलो और बी बी फोर ब्लू। पढ़ा था, याद आया। थ्री फेज कनेक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, एक होता है हमारे पास स्टार कनेक्शन और एक होता है हमारे पास डेल्टा कनेक्शन। स्टार तुम्हारा इस शेप का होता है और डेल्टा तुम्हारे पास इस शेप का होता है। अब तुम्हें हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले एक होता है हमारे पास स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन कुछ इस टाइप से होता है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। इसमें हमारे पास क्या होती है, प्लेन वायर, राइट। ये क्या है हमारे पास आर, ये क्या है हमारे पास वाई और ये क्या है हमारे पास बी। आर फोर रेड, वाई फोर येलो, बी फोर ब्लू। अब इसमें जो बीच में तीनों पॉइंट से जो कनेक्ट हो रहा है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यूट्रल से, ठीक है। सबसे पहले हम करंट मार्क करते हैं। देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास एक प्लेन वायर है तो उस प्लेन वायर को हम किससे डिनोट करेंगे, हमेशा लाइन से। और अगर तुम्हारे पास एक वाइंडिंग वाली वायर है तो उसको हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, फेस से। तो यहाँ पे ये सारी क्या है, प्लेन वायर है, राइट। और ये वाली वाइंडिंग्स वाली है तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फेस से। तो सबसे पहले करंट मार्क कर लेते हैं। आर है तो यहाँ पे करंट मान लेते हैं कितना जा रहा होगा, आई आर। वाई है तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, आई वाई। यहाँ पे बी है तो करंट कितना जाएगा, आई बी। और यहाँ पे आई एन न्यूट्रल है तो करंट कितना जाएगा, आई एन। अब इसी तरह यहाँ पे ये वाला पॉइंट एन और आर से कनेक्ट है तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, आई एन आर। यहाँ पे करंट कितना जाएगा, आई एन वाई। और यहाँ पे करंट कितना जाएगा, आई एन बी। तो देखो ध्यान से, जो आई आर है, जो आई वाई है, ये आई बी है, ये तुम्हारा लाइन करंट है या फेस करंट है, देख के बताओ मुझे। आई आर, आई वाई, आई बी, ये तुम्हारा प्लेन वाली वायर में फ्लो हो रहा है या वाइंडिंग्स वाली वायर में फ्लो हो रहा है। प्लेन वायर में तो मैं ये लिख सकती हूँ, आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई एल लाइन करंट। अब इसके बाद ये हमारे पास आई एन आर हो गया, वाइंडिंग्स में जो फ्लो हो रहा है, आई एन वाई हो गया और ये आई एन बी हो गया। तो आई एन आर इज इक्वल टू आई एन वाई इज इक्वल टू आई एन बी, ये क्या होगा तुम्हारा, फेस करंट होगा। ये क्या होगा, फेस करंट, क्योंकि ये फेस में फ्लो रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि आई एन आर की वैल्यू और आई आर की वैल्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्वल होनी चाहिए या अनइक्वल होनी चाहिए। देखो इधर से, क्या कोई करंट डाइवर्ट हो रहा है, यहाँ से करंट चल रहा है, यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, सेम ही करंट जा रहा है, राइट। कोई करंट तो डाइवर्ट नहीं हो रहा, तो आई एन आर और आई आर की वैल्यू क्या होगी, बोलो, सेम होगी या डिफरेंट होगी। सेम होगी। सिमिलरली आई एन वाई की वैल्यू आई वाई की इक्वल होगी और आई एन बी की वैल्यू आई बी की इक्वल होगी। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट आई एन आर, आई एन आर जहाँ एन आ जाए तो वो कौन सा है, फेस करंट। अभी तो हमने यहाँ पे लिखा भी है क्योंकि ये वाइंडिंग्स में फ्लो रहा है। और आई आर, आई वाई, आई बी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लाइन करंट। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट फेस करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द लाइन करंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह मैं दोबारा स्टार कनेक्शन बना रही हूँ।
अब की बार हम क्या मार्क करेंगे? वोल्टेज। उसमें हमने क्या मार्क करा था? करंट। अब हम क्या मार्क करेंगे? वोल्टेज। ठीक है, अगेन फिर से ये आर वाई बी, तो वोल्टेज अक्रॉस आर एंड वाई टर्मिनल इज वी आर वाई, वोल्टेज अक्रॉस वाई एंड बी टर्मिनल इज वी वाई बी, एंड द वोल्टेज अक्रॉस आर एंड बी टर्मिनल इज वी आर बी। राइट, बीच में क्या है तुम्हारा? न्यूट्रल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? एन और आर के बीच में कनेक्ट है तो वी एन आर, एन और वाई के बीच में कनेक्ट है तो वी एन वाई, एन और बी के बीच में कनेक्ट है तो वी एन बी। तो मुझे बताओ कि वी एल तुम्हारा कौन सा होगा? लाइन वोल्टेज कौन सी होगी? वी आर वाई, वी आर बी, वी वाई बी, ये वाली रेड वाली, या फिर वी एन आर, वी एन वाई, वी एन बी, ग्रीन लिखी हुई जो है, बताओ लाइन वोल्टेज। रेड वाली, तो हम ये लिख सकते हैं वी एल इज इक्वल टू वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर बी इज इक्वल टू वी वाई बी। बोलो, लिख सकते हैं ना? देखो वी एल कौन कौन सी है? वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर बी इज इक्वल टू वी वाई बी। राइट, ये सारी ग्रीन वाली तुम्हारी क्या है? लाइन वोल्टेज, बिकॉज ये प्लेन वायर के अक्रॉस फ्लो रही है। इसी तरह वी पी एच कौन सी होगी तुम्हारे पास? वी एन आर इज इक्वल टू वी एन वाई इज इक्वल टू वी एन बी। तो ये वाली सारी वोल्टेजेस क्या होंगी? फेज के अक्रॉस हो रही है, तो ये क्या होगी तुम्हारी? फेज वोल्टेज। राइट, नाउ द माई क्वेश्चन इज कि वी आर वाई इज इक्वल टू वी एन आर और अनइक्वल? देखो आर और वाई यहाँ पे है, तो ये तो अनइक्वल होगी ना, क्योंकि एन आर तो यहाँ पे है। तुम देख सकते हो वी आर वाई से तुम्हारी दो वोल्टेज बन रही है, एक वी एन आर और एक वी एन वाई, तो दैट इज नॉट इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल नहीं होगी, बट इनके बीच में हमारे पास कुछ रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्या रिलेशन होता है, जैसे तुमने पढ़ा था कि फोर्स होता है, 12th में पढ़ा था ना कि फोर्स है, फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक है एफ वन और एक है एफ टू। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था? रूट ऑफ एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक पहले पढ़ा था ये फॉर्मूला? तो इसी तरह तुम यहाँ से देख सकते हो कि वी आर वाई एक लाइन वोल्टेज है, उससे वो दो कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। कौन कौन सी? एक वी एन आर है उसका कंपोनेंट और एक वी एन वाई है। राइट, एन एन लगा दिया, जैसे वी आर वाई है तो वी एन आर और वी एन वाई। तो इसी तरह अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो वी आर वाई, यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ, वी आर वाई एक वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज, वो दो फेज कॉम्पोनेंट से मिलकर बनी हुई है, वी एन आर और वी एन वाई से। तो वी आर वाई का क्या फॉर्मूला हो गया? वी एन आर का स्क्वायर, क्योंकि कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, जैसे यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट थे उसका स्क्वायर लिया था, तो एक कंपोनेंट का स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट वी एन वाई का स्क्वायर प्लस टू इंटू वी एन आर वी एन वाई कॉस ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री मैं फेजर डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आया, अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि 60 डिग्री आएगा। अब वी आर वाई, जैसे कि तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर वाई कौन सी वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज है। वैसे भी जहाँ पे एन आ जाएगा वो फेज आएगा, नॉर्मल वाला लाइन ही रहेगा। और वी एन आर कौन सी वोल्टेज है? फेज वोल्टेज है, तो वी पी एच का स्क्वेयर, वी पी एच का स्क्वेयर प्लस टू इंटू वी पी एच का स्क्वेयर कॉस 60 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब मुझे सॉल्व करके बताओ वी एल की क्या वैल्यू आएगी? तो व्हाट वी कंक्लूड, वी एल इज इक्वल टू √3 वी पी एच। तो फाइनली हमें क्या मिला कि हमारे पास अगर स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट तो इक्वल होती है, बट लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल नहीं होती, बट क्या रिलेशन होता है? वी एल इज इक्वल टू √3 वी पी एच। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास पावर होती है, तुमने पढ़ा था एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एक्टिव पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? वी आई कॉस फाई। बट अगर हम थ्री फेज के टर्म्स में देखेंगे तो थ्री फेज के टर्म्स में क्या होएगा? √3 वी एल आई एल कॉस फाई। ओके, तो मैं वी एल को, मतलब ये वन ऑफ द फॉर्मूला है, बट मैं पावर चाहती हूँ फेज की टर्म्स में, तो मैं ये लिख सकती हूँ
रूट थ्री एज इट इज, वीएल किसके इक्वल है बताओ मुझे? रूट थ्री वीपीएच के इक्वल है तो रूट थ्री वीपीएच, और आईएल किसके इक्वल है? आईपीएच के इक्वल है तो आईपीएच, और ये कितना हो जाएगा? कॉस फाई। रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया? थ्री वीपीएच आईपीएच कॉस फाई। और इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो या ये फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों से ही आंसर क्या आएगा? सेम। अगर तुम्हें लाइन के टर्म्स में लेना है तो रूट थ्री लग जाएगा, और अगर फेस के टर्म्स में लेना है तो थ्री लग जाएगा। इसी तरह अपेरेंट पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रूट थ्री वी एल आई एल, और अगर फेस के टर्म्स में लेना है तो थ्री वी पी एच आई पी एच। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फेजर डायग्राम पे कि हमारे पास ये कॉस 60 60 डिग्री आया कहाँ से? ध्यान से देखना, स्टार कनेक्शन में वोल्टेज डिफरेंट होती है, तो जो ये फेजर डायग्राम बनेगा ये हमेशा वोल्टेज पे बेस्ड बनेगा। ठीक है, तो तीन ऐसे लाइन बना लो और तीनों के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो तीनों ये कौन सी वोल्टेज बनेगी? लाइन वोल्टेज। तुम्हें पता है लाइन वोल्टेज कौन कौन सी है बताओ? एक है वी आर वाई, एक है वी वाई बी, और एक है वी आर बी। तो यहाँ पे लिख लें, वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, यही होगी। जो वी आर वाई है डायग्राम में देखोगे तो कौन से दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है? एक वी एन आर और एक वी एन वाई। मैंने बताया था कि एन एन लगा दो, सिंपल सा फंडा। तो एक कंपोनेंट हो गया वी एन वाई, लिख लो, एक कंपोनेंट हो गया वी एन आर। ठीक है, एक कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और एक कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव होता है। कोई भी पॉजिटिव ले लो, कोई भी नेगेटिव ले लो, कोई कुछ ऐसा नहीं है। VNR को पीछे एक्सटेंड कर दो, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो यहाँ पे पीछे प्लस VNY है, तो यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस VNY। ठीक है, इसी तरह VNR को पीछे एक्सटेंड कर दो, माइनस VNR है, तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा पीछे एक्सटेंड करने पे? बोलो, प्लस VNR। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसी तरह वी वाई बी के दो कंपोनेंट लेने हैं, बताओ मुझे वी वाई बी के दो दो कंपोनेंट कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा वी एन वाई और एक आ जाएगा वी एन बी। आ जाएगा, एन एन लगाना है। वी एन वाई तो ऑलरेडी आ गया हमारे यहाँ पर, एक और कंपोनेंट बना लो वी एन बी। ये कंपोनेंट ध्यान रखना, ये वाला कंपोनेंट हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है एक्स एक्सिस, क्योंकि इसको थोड़ा सा नीचे करोगे दूसरे वाला ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करोगे दूसरे वाला नीचे बन जाएगा, तो सिमेट्री नहीं बनेगी। इसको एक्सटेंड करा तो ये क्या बन गया? माइनस वी एन बी। तो वी आर वाई के दो कंपोनेंट कौन से है? वी एन वाई और वी एन आर। वी वाई बी के दो कंपोनेंट कौन से है? वी एन बी और वी एन वाई। वी बी आर के दो कंपोनेंट कौन से? वी एन बी एंड एनआर। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम ऑफ स्टार कनेक्शन। कई बार डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, डेरिवेशन में तुम्हें फेजर डायग्राम बना के आना होगा, और कई बार ये लोग न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो इसमें तुम्हारा चार चीजें बनती है इस टॉपिक पे, एक है स्टार या फिर डेल्टा। या तो ये डेरिवेशन दे देंगे, डेरिवेशन के साथ उसका न्यूमेरिकल दे देंगे, ठीक है, या फिर या तो स्टार का देंगे या डेल्टा का देंगे, अगेन इसकी भी डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल। तो इनकी मर्जी है, डेरिवेशन दे दी तो न्यूमेरिकल नहीं देंगे, न्यूमेरिकल दे दिया तो डेरिवेशन नहीं देंगे, या दोनों चीज़ दे सकते हैं। देंगे एक ही क्वेश्चन या तो स्टार का या डेल्टा का। तो ये चार टॉपिक तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन 100% कवर करेंगे ये। ठीक है, अब तुमने एक चीज़ तो पूछनी कि मैम इसमें 60 डिग्री कहाँ आया? तो देखो, एक चीज़ एक ये रूल होता है क्या कि लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज के बीच का हमेशा एंगल कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वी आर वाई क्या है? लाइन वोल्टेज। वी एन आर क्या है? फेज वोल्टेज। एन आ गया तो फेज, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। इसी तरह वी आर वाई क्या है? लाइन वोल्टेज। वी एन वाई क्या है? फेज वोल्टेज, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री।
वी एन वाई और वी एन आर के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे हमने यूज़ करा था, क्या यूज़ करा था, वी एन आर और वी एन वाई के बीच का एंगल कितना यूज़ करा था 60 डिग्री। तो दो फेस कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना होगा हमेशा 60 डिग्री। ये एंगल भी शो कर देना और यहाँ पे लिख देना एंगल बिटवीन वी एन आर एंड वी एन वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ डेल्टा कनेक्शन पे। डेल्टा कनेक्शन की डेरिवेशन पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने स्टार की पढ़ी है। डेल्टा कनेक्शन कुछ हमारे पास इस तरह से होता है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, आर वाई बी, राइट। तो सबसे पहले हम वोल्टेज मार्क करते हैं। इसमें वोल्टेज बिटवीन आर एंड वाई इज वी आर वाई, वोल्टेज बिटवीन वाई एंड बी इज वी वाई बी, एंड द वोल्टेज बिटवीन आर एंड बी इज वी आर बी, राइट। यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ 2, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 3। तो वोल्टेज बिटवीन 1 एंड 2 इज वी 1 2, वोल्टेज बिटवीन 2 एंड 3 इज वी 2 3, वोल्टेज बिटवीन 3 एंड 1 इज वी 3 1, राइट। अब तुम मुझे बताओ लाइन वोल्टेज कौन सी है जो प्लेन वायर्स के अक्रॉस है, तो ये वाली सारी कौन सी हो जाएंगी, लाइन वोल्टेज हो जाएंगी। लिख सकते हैं इसे वी एल इज इक्वल टू वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर बी इज इक्वल टू वी वाई बी। इसी तरह जो वाइंडिंग्स के अक्रॉस है वो कौन सी वोल्टेज हो जाएगी, फेज वोल्टेज हो जाएगी। तो लिख लेते हैं वी फेज इज इक्वल टू वी 1 2 इज इक्वल टू वी 2 3 इज इक्वल टू वी 3 1, राइट। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या वी आर वाई और वी 1 2 इक्वल है या अनइक्वल है। वेरी गुड, ये इक्वल है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट वी एल इज इक्वल टू वी पी एच इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब सिमिलरली विल मार्क द करंट, जैसे हमने वोल्टेज मार्क करी थी, अब हम करंट मार्क करेंगे। सेम चीज, यहाँ पे आर है, वाई है और बी है। यहाँ पे करंट कितनी हो गई, आई आर, यहाँ पे आई वाई, यहाँ पे आई बी, यहाँ पे 1 3। तो मैं यहाँ पे करंट मान लेती हूँ, इधर 1 और 3 के अक्रॉस है तो I 1 3, 1 और 2 के अक्रॉस है तो I 1 2, 2 और 3 के अक्रॉस है तो I 2 3। तो नाउ टेल मी लाइन करंट कौन सी होगी, आई आर, आई वाई, आई बी, राइट। और फेज मतलब वाइंडिंग्स के अक्रॉस कौन सी करंट होगी, I 1 2, I 2 3 एंड I 1 3, राइट। सो आई एल इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी एंड आई फेज इज इक्वल टू I 1 2 इज इक्वल टू I 2 3 इज इक्वल टू I 1 3, राइट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या I 1 2 और आई आर, मतलब एक लाइन करंट ले ली मैंने और एक फेज करंट ले ली, ये दोनों इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अनइक्वल है क्योंकि करंट डाइवर्ट हो रहा है, राइट। मैं यहाँ से क्या देख सकती हूँ कि आई आर तुम्हारा दो कंपोनेंट से मिलके बना है, करंट कंपोनेंट से, एक I 1 2 से और एक I 1 3, राइट। यहाँ से देखोगे तो आई आर किससे कनेक्ट है, बता रही हूँ। देखो आई आर किससे मिलके बना हुआ है, एक I 1 2 से और एक I 1 3 से मिलके बना है। तो क्या I 1 2 और आई आर तो इक्वल हो ही नहीं सकते, राइट। तो इसमें वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे मैंने पहले बताया था स्टार के केस में, कि आई आर के दो करंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, I 1 2 एंड I 1 3। लिख लो यहाँ पे I 1 2 एंड I 1 3। फिर से वही जैसे फोर्स का फॉर्मूला था वैसे ही सेम अप्लाई करेंगे, आई आर इज इक्वल टू रूट ऑफ I 1 2 का स्क्वेयर प्लस I 1 3 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू I 1 2 I 1 3 कॉस ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री अगेन मैं बताऊंगी कि फेजर डायग्राम से कैसे आया। आई आर तुम्हारी लाइन करंट है तो आई एल से डिनोट कर लो, I 1 2 I 1 3 तुम्हारी फेज करंट है तो आई फेज से डिनोट कर लो, आई पी एच का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू
IPH का स्क्वायर cos 60, cos 60 कितना हो गया 1/2, उससे 2 कैंसिल। फिर से बताओ हमारे पास IL की क्या वैल्यू आ जाएगी, √3 IPH। सो व्हाट वी कंक्लूड कि डेल्टा कनेक्शन में PL इज इक्वल टू VPH एंड IL इज इक्वल टू √3 IPH, यही निकाला है। इसका मतलब डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज इक्वल है, करंट अन इक्वल है। बट अगर हम स्टार कनेक्शन का देखेंगे तो स्टार में क्या आया था, IL इज इक्वल टू IPH एंड VL इज इक्वल टू √3 VPH। तो एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है बस कि स्टार में करंट इक्वल है। क्या ध्यान रखना है कि स्टार में करंट इक्वल है। अगर स्टार में करंट इक्वल है तो डेल्टा में करंट डिफरेंट होगी, राइट। करंट डिफरेंट है तो वोल्टेज इक्वल होगी। एक चीज एक टाइम पे एक ही चीज हो रही है, यहाँ पे करंट इक्वल है तो वोल्टेज अलग है, यहाँ पे वोल्टेज इक्वल है तो करंट अलग है, ठीक है, याद रहेगा। अब तुम्हारा इसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लगता है, V इज इक्वल टू IR होता है, बट क्या फॉर्मूला लगता है, VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH। कभी भी ये फॉर्मूला मत लगाना VL इज इक्वल टू IL इंटू ZL, क्यों, क्योंकि Z हमेशा क्या होगा, इम्पिडेंस, और वो हमेशा किस में होता है, फेज में, ठीक है। तो ये लिख के भी फॉर्मूला काट दो कि नेवर यूज दिस फॉर्मूला। मैं बोल रही हूँ कि बच्चे गलती करते हैं, तुम भी करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि तुम नहीं करोगे, फिर भी मैं बता रही हूँ अलग से कि ये फॉर्मूला बच्चे 90% बच्चे यही अप्लाई कर देते हैं। रीजन VL दिया होता है, IL दिया होता है, वो उन्हें आसानी लगती है, ये वाला अप्लाई कर देते हैं। नहीं, पहले तुम्हें सबको फेज की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यही फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। फर्स्ट थिंग, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर दोनों के केस में सेम रहेगी। क्या रह क्या फॉर्मूला होता है उसका, √3 VL IL cos φ, √3 VL IL sin φ और √3 VL IL। तो अगर इसकी टर्म्स में चाहिए, VL के टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला है, और अगर फेज की टर्म्स में चाहिए तो 3 VPH IPH cos φ, 3 VPH IPH sin φ और 3 VPH IPH, ठीक है। और एक्टिव पावर की यूनिट भी मैं लिख देती हूँ, क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट वॉट, इसकी होती है VAR और इसकी होती है VA। तो ये तुमने सारे फॉर्मूलेस एक ही जगह पे मैंने लिख